हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे वीडियो बनाने वाली हूँ। मेरा इसी टॉपिक पे वीडियो है जो 13 मिनट्स का है और मुझे लगता है कि अभी लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि इतना बड़ा वीडियो देखे, तो मैं इधर छोटा वाला एक वर्जन बना रही हूँ। तो आपको अगर बड़ा वाला वीडियो देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप चाहो तो देख सकते हो। और इधर है कि बच्चे का नाक साफ किया कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो मैंने, मेरा बच्चा अभी 3.5 साल का है, मैंने 3.5 साल से जो फॉलो किया है वो ही आपके लिए शेयर करूंगी, जो मेरे लिए एकदम फुल प्रूफ है और मेरे लिए एकदम, मतलब मैं 100% मार्क्स देती हूँ उसको। वो है, मैंने 2 चीज़ खरीदा है जो बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। वो है एक सलाइन नेसल स्प्रे। सलाइन स्प्रे के साथ सलाइन ड्रॉप्स भी मिलता है, तो आपको इंडिया में इजीली वो कोई भी फार्मेसी में मिल जाएगा। और दूसरा है नेसल एस्पिरेटर। इसको हम लोग बच्चे के नाक के अंदर इसको डालते हैं और दूसरे हिस्से से सक करते हैं। तो आपको अगर ऐसा वाला एस्पिरेटर नहीं भी मिल रहा है तो भी मार्केट में बहुत सारे डिज़ाइन के एस्पिरेटर अवेलेबल है, अमेजन में सर्च कर सकते हो और आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा। और ये दोनों ही चीज़ ही मैंने पूरा यूज़ किया है उसके 1 मंथ के एज से अब तक। मतलब मैंने हज़ार बार शायद में यूज़ किया है, क्योंकि उसका, जब मेरा बेटा छोटा था 6 मंथ जैसा, तब उसको रोज़ रात को उसका नाक बंद हो जाता था रात को और वो रोने लगता था। तो इधर हम लोग बाहर रहते हैं तो इसीलिए इधर ठंडा ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए उसको ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी रहता है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। और नाक के बाहर का हिस्सा को साफ़ करने के लिए हम लोग जो करते थे, मतलब कॉटन के कपड़ा या वॉश क्लॉथ या कॉटन के बॉल्स आप ले सकते हो और उसको गुनगुना जो पानी होता है उसमें डाल के निचोड़ के उसके बाद उससे वाइप कर सकते हो। इसके अलावा मैं क्या करती थी कि मैं कोकोनट ऑयल को लगा के या कोई भी क्रीम लगा के आप से भी उससे भी कर सकते हो। मैंने तो शायद इसको कितने बार यूज़ किया है मुझे पता नहीं है। स्पेशली जो छोटा बच्चा होता है वो खुद नाक ब्लो करना उसको होता नहीं है, या मतलब हम लोग भी करवाते हैं तो उनसे होता नहीं है, छोटे बच्चे का, कुछ महीने के बच्चे का, तब ये बहुत काम आता है। इससे बहुत ही आसानी से हो जाता, साफ हो जाता है नाक। और आप अगर इसका शेप देख के सोच रहे हो कि कैसे मुँह से अगर खींचना है तो कैसे चलेगा, ये उतना मुश्किल नहीं है। इधर बीच में फिल्टर होता है और फिल्टर कोई भी कचरा, बच्चे के नाक का कोई भी कचरा हमारे मुंह तक नहीं आने देता है। तो आपको इधर देखिए ये फिल्टर दिख रहा है। और इसको बाद में नाक साफ करने के बाद आप इसको धो के आपको फिर यूज़ कर सकते हो, स्टेरिलाइज कर ले सकते हो और उसके बाद फिर से यूज़ कर सकते हो। तो इधर मैं दिखा रही हूँ कि नाक कैसे साफ करना होता है। इधर लाइट का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको मुश्किल हो सकता है देखना। तो ये है जो नेसल स्प्रे है, उसको बच्चे के ऊपर के कैप को निकाल के बच्चे के नाक में दोनों तरफ स्प्रे करना है और उसके बाद 2-3 सेकंड के लिए आपको छोड़ देना है, तो नाक के अंदर जो भी कचरा है वो मेल्ट हो जाएगा। और उसके बाद आपको एस्पिरेटर को लेना है। इधर एस्पिरेटर मैंने ले लिया है और उसको बच्चे के नाक के सामने के हिस्से में रखना है और मुँह से इसको खींचना है। तो नाक में अगर कुछ कचरा है तो वो आ जाएगा इस हिस्से में, तो दोनों तरफ ही करना है। तो अभी इसको सर्दी नहीं हुआ है तो कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन आपको ऐसा करना है और उसके बाद पूरे चीज़ को अच्छे से धो लेना है और फिल्टर को भी बहुत अच्छे से धोना है। फिल्टर में रह जाएगा सारे कचरे और कुछ भी आपके मुंह तक नहीं पहुंचेगा। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और अगर छोटा बच्चा है 1.5 साल से पहले, उस टाइम पे आप एस्पिरेटर ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। अगर बच्चे को सर्दी का टाइम पे विंटर्स में काम आएगा बहुत। और दूसरा है कि नेसल स्प्रे, वो बच्चे से बड़े तक, बूढ़े तक सबको काम आता है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। तो ये दोनों चीज़ ही मैं ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ। इसके अलावा जो घरेलू नुस्खे हैं वो है कि स्टीम कैसे बच्चों को दे सकते हो। तो आप एक बकेट गर्म पानी रखो बाथरूम में और बाथरूम का दरवाज़ा या विंडो सब बंद कर दो, या आपके पास अगर हॉट वाटर टैप है तो उसको ऑन कर दो और उससे जो पानी होगा उससे स्टीम होगा रूम में, बाथरूम के अंदर, और उसमें बच्चा वो इनहेल करके भी उसका जो म्यूकस है वो मेल्ट होगा और उससे बच्चे का नाक का हिस्से का, मतलब अंदर का जो कचरा है वो मेल्ट हो जाएगा, तो आसान हो जाएगा। और इधर और एक, मतलब कुछ चीज़ें बता दूंगी कि जो आपको एकदम नहीं करना है। एक है बच्चे के नाक के अंदर, मैंने बहुत लोगों को सुना है ऑयल देना, वो मत कीजिए। नाक के क्यों, कान के भी अंदर देना अच्छा नहीं है। बच्चे के नाक के अंदर का लाइनिंग बहुत ही पतला है तो
प्लीज उससे मतलब उसके वो लेके रिस्क मत लीजिए, अंदर कुछ भी मत डालिए नाक के, इतना तक ही आपको करना है जो भी करना है, इसके ऊपर आपको कुछ भी नहीं करना है, प्लीज मत कीजिए। आपको अगर लग रहा है कि आपसे नहीं हो रहा है प्रॉब्लम, बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्व, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, रिस्क मत लीजिए। दूसरी बात है कि बहुत लोग सेफ्टी पिन का जो पीछे का हिस्सा है या जो बॉबी पिन है उसके पीछे का हिस्सा, ईयरबड्स, इससे साफ करते हैं, या कोई कोई अपने जो छोटा उंगली है उससे भी बच्चे का नाक साफ करते हैं, वो सब भी मत कीजिए। वही मैंने जो बोला है कि लाइनिंग इतना पतला है, बेकार में रिस्क मत लीजिए, क्योंकि कभी कभी थोड़ा सा हिस्सा अगर नाक के लाइनिंग के साथ अटक जाता है तो वो अगर खींचा आपने तो बच्चे का नाक के अंदर से ब्लीडिंग हो सकता है, और बच्चे को बेकार में क्यों परेशानी करवाना, मतलब बेकार में तकलीफ क्यों देना। आपको ऐसा लग सकता है कि मुझे तो नहीं चाहिए, मेरे बच्चे को अब तक नहीं हुआ है, तो भी मुझे लगता है कि ये दोनों चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका बच्चा अगर 1 साल 1.5 साल के बड़ा है तो आप सिर्फ नेसल स्प्रे रख सकते हो घर में, ये बड़ों के लिए भी काम आता है, हमारे भी अगर नाक बंद हो जाएगा हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसका कुछ वैलिडिटी मतलब होता है कि 6 महीने के बाद आपको चेंज करना है या 1 मंथ के बाद चेंज करना है, ऐसा कंपनी पर डिपेंड करता है, और आपको फार्मेसी में ईजिली मिल जाएगा कोई भी। और दूसरा है कि एस्पिरेटर, अगर आपका छोटा बेबी मतलब होने वाला है या बेबी बहुत छोटा है, कुछ महीने का है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन पे आता है, आप मैं पिक्चर भी डाल दूँगी तो आप ज़रूर इसको भी देख सकते हो। और इसके अलावा मेरा ऐसे ठंडे लगने पे ऑयल का वीडियो है, जो मेरा होममेड ऑयल है, तो वो भी आप देख सकते हो, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय, टेक केयर।